Hello students, my name is Nilakantha Nayak, lecturer in Automobile Engineering at Bosch Cuttack. Today we will cover the subject vehicle maintenance. Topic is service of motor vehicle, which is in 6th semester. Contents are my, according to the syllabus, services and its necessity, types of service, then types of maintenance, objective of maintenance, engine cleaning, then cleaning outside of the engine, precaution of minimize of the carbon, methods of decarbonizing, and last one is assignment. Service. A motor vehicle service or tune-up is a series of maintenance procedures carried out at a set time interval or after the vehicle has traveled a certain distance. Tune-up means to modify something by examination or inspection of the various parts of the vehicle or engine. Service ketre koriba kouti koriba au kou part koriba seta amaro owners manual ba users manual ro re dei thai jaha amaro company according to the manufacturer. Suppose Royal Enfield Yamaha jemi amaro 500 km ba 45 days re fast service deuchi amaro ki Royal Enfield. Then Yamaha deuchi ki amaro 60 days or 750 km. Pare amaro servicing darkar ba kon service darkar, that depends on the manufacturer. Then maintenance, it means taking action to keep the vehicle or machine or anything in good working condition before it fails. मेंटेनेंस मीन्स आम जाथ समस्ते मेंटेनेंस कौन कौ आम कौन बुझुचु मैंने कि जिनस गाड़ी आमर एनी इक्विपमेंट आम फेल हवा पूर्व आम रिपेयर करवा टेकिंग एक्शन बेसिकली कन्सीडर टू टाइप्स ऑफ एक्शन वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड अदर इज टेक्निकल एक्शन. टेक्निकल एक्शन कौन बा क्लीनिंग हो बा पॉलिशिंग हो बा रिपेयरिंग वर्क हो से लुब्रिकेटिंग चेंज हो लुब्रिकेटिंग ऑयल रो चेंज हो से गुटा आम टेक्निकल एक्शन जाऊँच. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जो मेन पावर आमको प्रोवाइड करा बा जो पार्टस सब आमको प्रोवाइड करा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. देन नेसेसिटी ऑपरेशनल लाइफ मेनी व्हीकल परफॉर्मेंस डिमिनिश एज दे गो ओल्डर. This is because of improper maintenance of vehicle parts like engine, transmission, etc. आम मैक्सीम टाइम शुणुता लोक कहते गाड़ी पुराणा होगा मो पिकअप धरूना कि इंजिन आ पावर ठीक से दौना कि मोर गाड़ी स्पीड होना तो से कारण है से सब कारण होमर इम्परफर मेन्टेनान्स अफ वेहकल. इट मे बी इंजिन हो कि ट्रांसमिशन सिस्टम हो और एनी स्टेरिंग सिस्टम हो बा कंट्रोल सिस्टम हो. Then safety. An accident happens due to poor maintenance or poor condition of vehicles. अबे आजकल जो दुर्घटना हो ची रास्ता रे due to the poor maintenance of vehicle. यदि हमें गाड़ी रो proper maintenance न करीबा तो accident होगा सुनिश्चित हो. तो सेथ में हमको accident को avoid करेंगे हमको maintenance नहीं दिया दरकार. Then reduce of pollution. It is a common problem all over the world. Vehicle emission contributes to global pollution rating. Well-maintained vehicles burns fuel completely in engine and thus emit less pollutant. आम जानी only 30% fuel को आम यूज कर मेकानिकल एनर्जी आउ नेक्स्ट 35% हूँ आम थ्रो एक्जस्ट थ्रो एस्केप कर 30% आम कौन हो सिलिंडर वाल को जाऊँच आउ 5% कौन हो ना आमर ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड अदर लसेस रिमेनिंग इज द अदर लसेस. तो से जो 30% फ्यूल को आम प्रपर्ली बर्न करने आमको प्रपर्ली मेन्टेन करवा दरकार अच्छे इंजिन को. जदि आम भी ठीक से मेन्टेन न करें 30% डिक्रीज हो 25 हो कि 20 हो तो दस देन द डिक्रीज अफ सरी इनक्रीज अफ पल्युटेंट से पल्युटेंट एमिट कर इनक्रीज कर. यदि आम 30% ठीक से फ्यूल को बर्न न कर तेल से पॉल्यूशन इनक्रीज कर. देन लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट
well maintained vehicle or machine does not require much repair and one does not need to visit mechanic or workshop frequently. Less operating cost means आम जो गाड़ी चलाऊ तापर आम के खर्च करदी आम ठीक ठीक भाव मेन्टेन करुवा तो आमको बारंबार वर्कशॉप को जवाब पड़बनी कि मेकानिक पाक जावाई पड़बना जदि आम मेकानिक पाक जावा वर्कशॉप पाक जावा से तो आम कम फ्री कर किसी पैसा चार्ज कर तो आम व्हीकल को ही ठीक से मेन्टेन करवा तो आमको से जिनस एवोड करा पड़ो बा मेकानिक पाक जावाई पड़बनी कि वर्कशॉप को आम वर्कशॉप को बारंबार जावाई पड़बन देन हायर रिसेलिंग प्राइस द व्हीकल व्हिच मेन्टेन वेल हेज हायर रिसेल वैल्यू देन द वन व्हिच इज नॉट मेन्टेन वेल तुम देखि सपोज मुझे रॉयल एनफील्ड कथ हो कारण बुलेट गाड़ी ही प्रॉपर्ली मेन्टेन कर रखते किसी यूजर जनकर गाड़ी देख 50,000 किलोमीटर जा आ जनकर 10,000 किलोमीटर जा तो जी 50,000 किलोमीटर रन कराइ से गाड़ी को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सपोज जी 10,000 किलोमीटर गाड़ी को रन कराइ से ठीक से प्रॉपर्ली मेंटेन कर सर्विस ठीक टाइम कर तो जो से गाड़ी दीरा बिक्री हे तो आम कौ गाड़ी को अधिक रेट कि जोड़ा वेल मेंटेन हो तो से कहे हायर रिसेलिंग प्राइस अफ द व्हीकल जदि आम गाड़ी को ठीक से मेंटेन करवा तो आम जो नेक्स्ट टाइम बिक्री करवा तो आमको सैटिस्फैक्टरी अमाउंट गोटे मिले देन लास्ट वन इज लोअर ब्रेकडाउन एंड एमरजेन्सी सिचुएसन देयर आर लेस चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन एंड एमरजेन्सी सिचुएसन इन केस ऑफ प्रॉपरली मेंटेन्ड व्हीकल्स जदि आम गाड़ी को प्रॉपर्ली मेंटेन को रखुवा प्रॉपर टाइम सर्विस कर लुब्रिकेटिंग कर चेक करुवा तो आम कौन चांस ऑफ फेस द ब्रेकडाउन बा फेलियर सेटा मु एवोड कर परबा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्विस क्लीनिंग ऑफ द मोटर व्हीकल एंड इट्स पार्ट्स देन इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स देन एडजस्टमेंट्स ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेशन पिक्चर देख पारथुओ क्लीनिंग ऑफ मोटर व्हीकल मीन आमे बाय यूज ऑफ सम मशीन्स और हैंड वेयर क्लीन द व्हीकल और पार्ट्स प्रॉपर्ली देन इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इंस्पेक्शन केत इंजन को ओवर हॉल करवा व्हीकल को कंप्लीटली डिसअसेंबल करवा तो आम चेक करवा कि से डैमेज होती किसी रिपेयर वर्क दरकार काम दरकार आम चेंज करवा रिपेयर करवा थ्रू द इंस्पेक्शन आम इंस्पेक्शन करें रिप्लेस करवा चेंज करवा क्लीनिंग करवा पॉलिशिंग करवा देन एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कौन जमी एक्सलेटर एडजस्टमेंट कराए ब्रेक एडजस्टमेंट देन क्लच एडजस्टमेंट हेडलाइट एडजस्टमेंट दिज आर द एडजस्टमेंट्स देन ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेशन ग्रीसिंग कौटी करवा जो टर्निंग स्लाइडिंग पार्ट्स मूवेबल पार्ट्स अच्छी आम ग्रीसिंग करवा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन फॉर इनसाइड द इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम दे आर रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन पर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करवा देन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल दिस आर बेसिकली थ्री टाइप्स ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस टाइम बेस्ड मेंटेनेंस ऑल्सो और शेड्यूल बेस्ड मेंटेनेंस देन प्रिडक्टिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मीन्स रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग of vehicle only after it breaks down or does not deliver its intended performance also known as reactive maintenance breakdown maintenance kaha koyame suppose ame gote jagaru gote jagaku move karchu to in between se bhitare jodi gaadi completely stop he gala se move kariya pai capable hela nai se completely stop he gala to tabre jo maintenance kaam kariyo ame taku ame breakdown maintenance कंज्यूम्स मोर टाइम आमर अधिक पैसा खर्च हे आउ कम्फर्ट को रिड्यूस कर तो मेंटेन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मीन सिंपली जदि आमर जिनस किसी ब्रेक करेंगला मेंटेनेंस करुच तो ताकू कहा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस
देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरियोडिक मेंटेनेंस और टाइम बेस्ड मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस कहुच। इट कैन बी डिफाइंड एज एक्शन परफॉर्म ऑन इंटरवल बेसिस और रन बेसिस दैट इज किलोमीटर टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन एंड फेलियर। पेरियोडिक प्रोसीड्योर टू मिनिमाइज द रिस्क टू फेलियर एंड एनश्योर कंटिन्यूड ऑपरेशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स आम ब्रेकडाउन पूर्व किसी मेंटेनेंस काम करवा जमी आम यूजर मैनुअल ऑनर्स मैनुअल दौर कि आफ्टर 500 किलोमीटर पर दरकार कि 10,000 किलोमीटर पर दरकार 1,000 किलोमीटर पर दरकार से टाइप रो मेंटेनेंस आम प्रीवियसली करवा ऑन टाइम बेसिस। इट मे बी 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ तो से टाइप रो मेंटेनेंस जब आम करवा कह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन कर जाए बेसिकली आमर लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करा जाए ऑयल फिल्टर चेंज करा जाए देन एयर फिल्टर क्लीन करा जाए ब्रेक शूज क्लीन करा जाए ये सब आमर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रे करा जाए। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट कौन कौन करा जाए ऑयल लेवल चेक करा जाए ऑयल लेवल मोस्टली रिप्लेसिंग करा जाए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रे। देन होज पाइप बेल्ट्स टायर प्रेशर कूलेंट और एंटी फ्रीजर एयर फिल्टर क्लीन करा जाए इंस्पेक्ट ऑफ टायर लेग्स देन विंडशील्ड वाशर फ्लुइड देन बैटरी एंड पावर स्टीयरिंग फ्लुइड ब्रेक फ्लुइड ट्रांसमिशन फ्लुइड बैटरी टर्मिनल्स एंड केबल्स वाइपर ब्लेड्स मेक श्योर हेडलाइट्स ब्रेक लाइट्स एंड टर्न सिग्नल वर्क मेक श्योर हॉर्न वर्क्स प्रॉपरली और नॉट। बेसिकली आम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये सब चेक करता ठीक से काम करुच कि नहीं ताको चेक करने आम सर्विस स्टेशन जाइए बा से सर्विस स्टेशन रे मेकानिक बा आमर जो वर्कर टेक्नीशियन थाए से ये सब ही चेक करता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रे। देन प्रिडक्टिव मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट साइन ऑफ फेलियर इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस वर्क फॉर मैक्सिमाइजिंग द सर्विस ऑफ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेलियर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स आम देखता हूँ गाड़ी जो नॉर्मल साउंड रु हाई साउंड बा लो साउंड होगा तो आम भाव कि गोटे इंजिन आम काम दरकार ब्रेक अप्लाई कला बेल किसी साउंड आसला तो ताकु बेस करी जो मेंटेनेंस काम करथाउ बा रिपेयरिंग काम करथाउ ताकु आउछि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट और आम साउंड को डिटेक्ट करके ताकु डिटेक्ट करथाउ साउंड को जानिके आम मेंटेनेंस करबा नै थौ सर्विस स्टेशन को तो ताकु कहौछ हमर प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस always improves the vehicle performance also reduce the downtime and replacement cost it also reduce the chance of failure prevent from the breakdown then maximize the operational life of vehicle these are the objective of maintenance। then engine cleaning engine removal should be followed by inspection cleaning and then repairing after the removal of all parts they should be inspected to check their condition and any damage all the parts need to be clean before repair cleaning will be remove all the deposit on it these are basically two types mechanical cleaning and chemical cleaning। mechanical cleaning katra ko tha jatra hard deposit hoita carbon to tara mechanical cleaning ko tha to engine cleaning means ame engine ko कंप्लीटली ओवरहल करी तार ईच एंड एवरी पार्ट को क्लीन करवा जो कार्बन डिपोजिट है ताको रिमूव करवा और ताको इंस्पेक्शन करवा से ठीक अच्छी ताको रिपेयर दरकार जो रिपेयर काम करवा जो रिप्लेस दरकार ताको रिप्लेस करवा। देन मेकानिकल क्लीनिंग दिज आर स्क्रैपिंग एब्रेसिव ब्रशिंग एब्रेसिव ब्लास्टिंग देन केमिकल क्लीनिंग आर सॉल्वेंट बेस्ड क्लीनिंग वाटर बेस्ड क्लीनिंग एंड स्प्रे वाशिंग।
स्क्रैपिंग इन दिस प्रोसेस ए स्क्रैपर और शार्प कार्ड आर यूज टू क्लीन द इंजन एल्यूमिनियम बेस्ड पार्ट्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज. स्क्रैप मीन्स आमे स्क्रैप मैंने बेसिकली घसी घसी जोड़ा क्लीन करछु बाय यूज ऑफ हेक्सो और सैंड पेपर और एब्रेसिव मटेरियल बा शार्प एज नाइफ नहीं कि आमे ताको स्क्रैप करी करी आमे ताको जदि कार्बन बा करोजन पार्ट को आमे रिमूव करिया ताको आउजे स्क्रैपिंग मेथड. देन एब्रेसिव इन दिस प्रोसेस थ्रू एब्रेसिव ब्रश और एब्रेसिव पैड और डिस्क कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द इंजन पार्ट्स. एब्रेसिव टूल बा एब्रेसिव डिस्क गोटे यूज करछु जहाँ द्वारा आम कार्बन पार्टिकल को आम रिमूव करूँ बाय रोटेटिंग द एब्रेसिव टूल और डिस्क. देखी थे जमी क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन जो टूल लगी एब्रेसिव टूल तो ताको रोटेट कर आम क्लीन करवा. लास्ट वन इज ब्लास्टिंग. बेकिंग सोडा इज यूज फॉर क्लीनिंग इन दिस मेथड क्लीनिंग ऑफ कास्ट आयरन और एल्युमिनियम इंजन पार्ट्स. बेकिंग सोडा कहीं आम यूज करवा बिकज दिस इज नॉन फ्लेमेबल देन नॉन हैजर्डस एंड इजिली अवेलेबल. बेकिंग सोडा यूज करछु इन द ब्लास्ट मशीन. ब्लास्ट मशीन रे आम बेकिंग सोडा यूज करके बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई कंप्रेस्ड एयर आम जो पार्ट को क्लीन करिया थिवो तो आम से पार्ट को आम सोडा प्रोवाइड करवा आ कार्बन पार्टिकल को से लूज कर आ रिमूव करिवारे साहाज्य कर. बेसिकली आम कास्ट आयरन एल्युमिनियम पार्ट सब आम सफा करने ब्लास्टिंग मेथड यूज करूँ और बेकिंग सोडा यूज कर. देन केमिकल क्लीनिंग. सॉल्वेंट बेस्ड क्लीनिंग इन दिस मेथड द सॉल्यूशन इज यूजुअली सॉल्वेंट बेस्ड व्हेयर पीएच रेटिंग इज केप्ट बिटवीन 10 to 12. सिलिकेट्स कैन बी मिक्स्ड विथ दिस सॉल्यूशन व्हिच हेल्प्स द इंजन मेटल फ्रॉम कोरोजन. द सॉल्वेंट बेस्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन मेक्स डिपॉजिट टू डिजॉल्व इट सो इट कैन बी इजिली ब्रश्ड एंड रिमूवेबल. केमिकल क्लीनिंग पूर्व आम सेफ्टी किसी सेफ्टी प्रिकॉशन में आम किसी यूज करवा जहाँ हैंड ग्लोवस फेस मास्क ग्लास यूज करवा तो आम केमिकल क्लीनिंग प्रोसेस को जीवा. तो केमिकल क्लीनिंग प्रोसेस कौन करवा गोटे सॉल्वेंट बेस्ड केमिकल नवा बा सॉल्वेंट नवा जहाँ पीएच रेटिंग थी 10 to 12 ताद्वारा आम आम एल्युमिनियम पार्ट बा कास्ट आयरन पार्ट को आम क्लीन करवा आ सिलिकेट पार्ट सब एड करा होजी टू रिमूव द कोरोजन पार्टिकल फ्रॉम द इंजन पार्ट्स. देन वाटर बेस्ड क्लीनिंग. क्लीनिंग इज डन बाय प्रिपेयरिंग वाटर बेस्ड सॉल्यूशन. सिलिकेट्स मे बी मिक्स्ड विथ इट और मे नॉट बी. द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कैन बी अप्लाइड बाय स्प्रेइंग ऑन इंजन पार्ट्स और बाय सॉकिंग पार्ट्स इनटू टैंक ऑफ फुल केमिकल और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इंजन पार्ट्स 10 to 12 hours सॉकिंग इन रिक्वायर्ड एट 80 to 90 degrees Celsius टेम्परेचर. दिस लूजन द डिपॉजिट एंड क्लीन एंड सॉरी कैन बी मिक्स्ड विथ सॉल्वेंट एंड रिमूव्ड. आम वाटर वेस्ट केमिकल यूज करवा टू रिमूव द आमर कार्बन पार्टिकल्स कोरोजन पार्टिकल्स केमी करवा बाय इच एंड एवरी कंपोनेंट को सेपरेट करके आम गोटे टैंक 10 to 12 hours पर्यंत बुड़े रखा. बुड़े रखा द्वारा कौन हम ना से जो डिपॉजिट होता है कार्बन पार्टिकल सब से लूज हम एंड कैन बी मिक्स्ड विथ सॉल्वेंट फॉर रिमूव द कार्बन पार्टिकल फ्रॉम द पार्ट्स. देन स्प्रे वॉशिंग. स्प्रे वॉशर आर यूज्ड फॉर वॉशिंग द इंजन पार्ट्स. इन स्प्रे वॉशर वेरियस हाई प्रेशर नोजल्स आर प्रोवाइडेड व्हिच स्प्रे द लिक्विड एंड डिजॉल्व द डिपॉजिट. देयरफॉर द लिक्विड एंड केमिकल इफेक्ट्स वर्क्स एज ए क्लीनिंग एजेंट एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस द क्लीन सरफेस. वॉशिंग शैल बी डन फॉर 20 to 30 minutes एट 75 to 80 degrees Celsius टेम्परेचर इन क्लोज स्प्रे
वाशर मशीन। आज कल आम स्प्रे वाशर द्वारा ही इंजन को क्लीन करछु। केमिति स्प्रे देखिथ जो स्प्रे फोर्स लिक्विड फोर्स हो कौन कर कार्बन पार्टिकल को जाकि अटैक कर इजेक्ट कर प्रॉपर प्रॉपर पोजीशन रे। सपोज सपोज दिस एरिया मोर कार्बन पार्टिकल डिपोजिट हो तो मुझे कौन करी स्प्रे द्वारा प्रॉपर ए एरिया ही इंजेक्ट करी जहाद्वारा से कौन करो हमर कार्बन पार्टिकल को रिमूव कर। नेक्स्ट क्लीनिंग आउटसाइड ऑफ इंजन टू क्लीन इंजन डट ग्रीस एटसेट्रा स्प्रे मेथड इज यूज्ड एंड विद द हेल्प ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एयर फॉर दिस पर्पज ए केरोसिन इज स्प्रेइंग अंडर प्रेशर ऑन इंजन एंड फॉर क्लीनिंग एग्जॉस्ट सिस्टम लाइक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मफलर पाइप्स आर सॉक्ड इनटू द केरोसिन फॉर रिमूव द डट पार्टिकल। और पिक्चर देखिपुव कि केरोसिन को स्प्रे करा होजी टू रिमूव द डट ग्रीस पार्टिकल सब रिमूव करने केरोसिन को स्प्रे कर था हाई प्रेशर प्रिकॉशन ऑफ मिनिमाइज कार्बन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इंजन यूज गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज सम एडिटिव्स इन इंजन फॉर क्लीनिंग डोंट कीप द इंजन मच टाइम इन आइडलिंग कंडीशन कीप द इंजेक्टर एंड वाल्व्स आर ऑलवेज क्लीन कीप द फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। मेथड्स ऑफ डीकार्बोनाइजिंग दिस आर बेसिकली थ्री टाइप्स स्क्रैपिंग मेथड ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजिंग मेथड एंड केमिकल डीकार्बोनाइजिंग मेथड। स्क्रैपिंग मेथड जो कहल मेकानिकल क्लीनिंग सिमिलर टू दैट एंड ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजिंग मेथड इज ऑक्सीजन फ्लेम यूज करछु से कौन होता है कम्प्लीटली इंजन को रिमूव डिसअसेंबल करूँ ओवरहल करूँ तो एर कौन हो इंजन को खोलवा ना जमी थी नर्माली रहा कथ रो थ्रो इनसर्ट द ऑक्सीजन फ्लेम थ्रो द स्पार्क प्लग होल आम इंजन को क्लीन करवा टू रिमूव द कार्बन पार्टिकल। देन केमिकल मेथड ऑफ डीकार्बोनाइजिंग केमिकल मेथड ऑल्सो सेम एज द ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजिंग मेथड माने आम इंजन को कम्प्लीटली डिसअसेंबल न करके नॉर्मल सिचुएशन रखिकी थ्रू द स्पार्क प्लग होल रे आम किसी केमिकल इनसर्ट करके कार्बन पार्टिकल को आम रिमूव करछु। बेसिकली दिस आर जो गाड़ी गुड़ा मोर बा जो इंजन कम कार्बन डिपोजिट होता है अल्प मेंटेनेंस दरकार से टाइम आम ये मेथड सब यूज करते। देन असाइनमेंट व्हाट डू मीन बाय सर्विस देन व्हाट इज मेंटेनेंस एंड डिफाइंड एंड एक्सप्लेन व्हाई द मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजन क्लीनिंग एंड डिस्क्राइब अबाउट दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीकार्बोनाइजिंग हाउ टू मिनिमाइज द कार्बन डिपॉजिट ऑफ योर व्हीकल इंजन। थैंक यू फॉर एनी क्वेरी माय व्हाट्सएप नंबर इज 9439451781। ଝିଅଟିଏ ତ ମାଟି ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ କଥାଟିଏ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବ ସଂସାର। ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଉ ପୁଅଙ୍କଠୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ସମୟ, ବଦଳିଗଲାଣି ଯୁଗ। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ITI ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ତାଲିମ। ଏବେ ଆମ ଝିଅ ରହିବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ମୁଁ ସଫଳ, ମୁଁ କୁଶଳୀ, ମୁଁ ସୁଦକ୍ଷା, ଆମେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା।